कर घटक दल के लोग यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ। जब ओमप्रकाश राजवंश जी उनका बेटा नॉमिनेशन के लिए गया तो उनके पे हमला कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे हमला कर दिया, कल ममता जी को अपमानित करने की कोशिश की है। ये बीजेपी के लोग दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों के खिलाफ है भाई, अगलों के साथ भी इन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया है। ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मुझे भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल पूरा भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। मैं पूर्वांचल की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास कराने का काम सरकार में होगा। देखिए ये संदेश गया है, कल आज यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ है, जो यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं श्री अखिलेश, तो आज यहाँ बनारस की जो विधानसभाएं हैं सारे विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद थे और जनता मौजूद थी, और जनता ने खुद बोल दिया कि 10 मार्च को श्री अखिलेश यादव आ रहे हैं, और ममता दीदी हम लोगों के साथ हैं, समाजवादी गठबंधन के साथ हैं हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी, और वो वीर महिला जब हमारे साथ हैं और पूरी जनता साथ हैं, तो सबको मालूम है कि 10 मार्च को श्री अखिलेश जी आ रहे हैं। बस हम लोगों ने रणनीति बनाया है भाजपा वालों को हटाने के लिए, वो रणनीति हम लोग अपना उसी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपने देखा जिस प्रकार से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की रैली में अपार जन समर्थन उपड़ा है, साफ साफ संदेश दे रहा है बनारस तो हम जीत ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय जी के आने से हमारी 8 सीट कंफर्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, आप 10 मार्च को रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। देखिए बात कुछ नहीं, वो संदेश चला गया उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, और आदरणीय ममता जी ने इस बात को आकर के और मजबूती से रखा, लेकिन ये कल जो उनके साथ बनारस में घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो निंदनीय काम किया है, मुझे लगता है कि बनारस में ममता बनर्जी के समर्थक और उनके समाज के लोग आज इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं, और 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के गठबंधन को और उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, और खदेड़ा तो असली अब ममता जी ने कर दिया है आज इस मंच से बोल करके, और उत्तर प्रदेश बदलाव की बयार में है, और 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए बोले हैं, फिर उसके बाद 1500 महीना पेंशन देने के लिए बोले हैं, हम लोगों को किसानों को आय दोगुनी करने के लिए बोले हैं, यही सब बातें बोले हैं इन सब मुद्दों पर। युवाओं को 11 लाख पदों पर सरकार बनने के बाद तुरंत पहली ही बैठक में भर्तियाँ निकाली जाएंगी। क्या लगता है कि हर नेता के बोल दिया थे हमारे को नहीं, इसके पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने भर्तियाँ निकाली थी, मेरिट पर भी भर्तियाँ निकाली थी, बहुत सारी भर्तियाँ निकाली थी। इसमें कम से कम लाखों की तादाद की भीड़ थी इस बार बनारस में, अब भाजपा ये नहीं दुख बोले हैं अखिलेश यादव ये बोले हैं कि जितनी नौकरियां रुकी गई है सरकार बनने के बाद 10 दिनों के अंदर सारी भर्तियां निकाली जाएगी। ममता बनर्जी इस बार खेला होवे, बस खेला होवे, खेदेड़ा होवे, गेंदा वही खेला होवे। ममता बनर्जी बंगाल में भी गेंदा फेंकी थी और यूपी में भी गेंदा फेंक दी। यूपी में इस बार